आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के पश्चिम विधानसभा से 2022 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान लगातार अपने जिले के क्षेत्र में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ के पारा जिले में कायम रजा पहुंचे, जहां भारतीय उदय निर्माण पार्टी के अध्यक्ष KD शर्मा ने कायम रजा खान को पश्चिम क्षेत्र में पूर्ण समर्थन देने का बीड़ा उठाया, जिसके चलते कायम रजा खान पारा जिले के डूडा कॉलोनी पहुंचे। इसी पर हमारी प्राइम टीवी की टीम ने उनसे खास बातचीत की है। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे सभी दावेदारों ने अपनी कमर कस ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त कायम रजा खान अपने एक अगले अपने जो विधानसभा क्षेत्र है, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से ही अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में आना जाना शुरू कर दिया है। पहले पूर्वी मुद्दीन खेड़ा में इन्होंने शिरकत की थी, आज ये यहाँ पर डूडा कॉलोनी में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इनके शिरकत करने का क्या रीज़न है सीधे से बात करते हैं। तो आप ही पहले बताइए कि आज आप यहाँ डूडा कॉलोनी में आए हैं, तो क्या इस मकसद से आप यहाँ पर आए? देखिए, मकसद ये है कि हमारे बड़े भाई जो है KD शर्मा जी हैं, इन्होंने हमारे छोटे भाई को समर्थन दिया है जी। तो भाई के घर पे आए हैं, पूरा तरह से इन्होंने समर्थन इस सीट पे किया है और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने बड़े भाई का, और इस सीट पे जिताने का भाई ने वादा कर लिया है, तो हम जीत के आ रहे हैं जी। बाकी ये है समर्थन की बात आपको, क्योंकि अभी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा और इस टाइम पे आप समर्थन के लिए आज यहाँ पर आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, हमारे बड़े भाई हैं, समर्थन कर रहे हैं तो हमें हज़ारों वोट हमें मिल रहा है, तो हम इनके पास आएंगे नहीं जी। भाई जो जहाँ पे हमें जो भी मिलेगा हम मिलेंगे उससे जी। और ये तो हमारे बड़े भाई है, पूरा समर्थन हमारे लिए कर दिया पार्टी से, अपने पूरी तरह से हमें साथ देने का वादा कर लिया। बाकी सर, जिस तरीके से आप हर क्षेत्र में आ जा रहे हैं, आपने लगातार लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, या आपने अलग अलग जन समस्याएं आपने देखी हैं, पूर्वी मुद्दीन खेड़ा में भी कई समस्याओं पर आपने काम किया है, इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए आप काम करने वाले हैं? इस क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, गिनती कहाँ तक गिनाई जाए। अभी आपने सर्वे करके आप देखिए, और शायद आपने किया भी है तो वो आप हैदर कैनाल देख लीजिए, पूरा रास्ता कहीं है नहीं लोगों को निकलने का। हमने कम से कम 100 डंपर मिट्टी वहाँ डलाई तो बेचारों को रास्ता निकलने का हुआ, और एक नाले पे पुलिया बनाई, रोड बनवाई, कम से कम 6-7 हमने ट्रांसफार्मर रखा है, 70-80 खम्भे लगवाए। तो इस क्षेत्र में इस पुरानी आप नई बेल्ट जो लखनऊ की बसी है पश्चिम में, वो समझ लिए पूरे हालात ख़राब हैं, ना रास्ता है, ना लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। तो इसी को लेकर हम मैदान में कूदे हैं, और हम जीत जाएंगे तो सबसे पहले इस क्षेत्र का विकास करेंगे जो आज समस्याओं से ढेर लगा हुआ है। जैसा कि कायम रजा खान जी से ने बताया कि यहाँ पे डूडा कॉलोनी पर है, जहाँ पर उनके आज बड़े भाई साहब यहाँ पर उनके मौजूद हैं, जो भारतीय उदय निर्माण पार्टी से संबंधित हैं। इन्होंने आज इनसे समर्थन मांगा है, इनके अध्यक्ष हैं KD शर्मा जी। तो KD शर्मा जी से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर, किस तरीके से वो कायम रजा खान को समर्थन देने वाले हैं। तो KD सर, ये बताइए कि आप किस तरीके से आज कायम रजा खान का समर्थन करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, उसके कार्यों का होता है। इनके कार्य इस लायक हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं। विगत 3 वर्षों से इनकी कार्य प्रणाली को मैं नजर गड़ाए बैठा था। फर्क इतना था कि पार्टी में इनको नहीं जोड़ पाया, कुछ वजह ऐसी रही, अन्यथा मैं अपनी पार्टी से लड़ा था। इनका जो है नेचर बहुत अच्छा है। अन्य जो प्रत्याशी खड़े हैं वो अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, दूसरे इनकी टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि ये शुरू से काम करते चले आए हैं। विकास के नाते मैंने एक सीट पर इनको समर्थन दिया है, एक सीट पर मैं इनको जी जान करके लड़ाऊंगा और जिताऊंगा, और भगवान चाहेगा तो हम जीत के आएंगे। तो जिताने के लिए तो एक वोट बैंक की जरूरत पड़ती है, कितने वोट बैंक का आप इनके खाते में डालने वाले? ये मान के चलिए कि मैं पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मुझे पूरा संज्ञान है, हजारों की तादाद में मेरे पीछे वोट खड़े, हजारों की तादाद में जी। और वो सब वोट ही नहीं का है, वो सब नहीं का है। जी हाँ। बाकी और क्या आपका सहयोग रहेगा, किस तरीके से आप सहयोग करेंगे? हम तन मन धन से इनके साथ में हैं, जहाँ जैसी इच्छाएं आवश्यकताएं होंगी
उसमें हम इनका पूरी तरह समर्थन करेंगे। तो अभी भारतीय उदय पार्टी के डी शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद थे, जो कायम रजा खान को यहाँ डूडा कॉलोनी से समर्थन करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से उनका समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। मिर्जापुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव हीरालाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भाजपा सरकार ने हर तबके के ऊपर हमला किया है। भाजपा की सरकार हर मोर्चे में फेल रही है। भाजपा सरकार को किसी भी सूरत में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाने नहीं देंगे। इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी कुछ स्थानों पर चुनाव लड़ रही है, जहाँ संगठन के मजदूर, किसान और पार्टी का संघर्ष है। पार्टी मिर्जापुर के मड़ियान विधानसभा के कम्युनिस्ट नेता सुरेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी जिसने 5 सालों में जिसकी सरकार रही है, उन्होंने लगातार हमला किया है हर तबके के ऊपर, बुरी तरह हर मोर्चे पर फेल रही है। और हमारी पार्टी ने तय किया है कि इसलिए बीजेपी को, उसकी सरकार को दोबारा सत्ता में ना आने देने के लिए हम काम करेंगे। और कुछ सीटों पे हम लड़ेंगे भी, जहाँ हमारे आंदोलन है, जहाँ हमारा मजदूरों किसानों का संघर्ष है, वहाँ हमारे प्रत्याशी भी लड़ेंगे। और उसी निर्णय के तहत मिर्जापुर में मड़िहान क्षेत्र से हमारी पार्टी के उम्मीदवार कामरेड सुरेश लड़ रहे हैं। और हम अपील करते हैं मड़िहान की जनता से, मिर्जापुर की जनता से, कि हमारे उम्मीदवार कामरेड सुरेश, जो निरंतर एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, किसानों मजदूरों के लिए समर्पित हैं, कर्मठ हैं, उनको अपना मत दें, समर्थन दें और अपनी आवाज को, जो संघर्ष यहाँ है, वो विधानसभा में भी पहुंचाए। वहीं बलिया में बागियों की बगावत से बीजेपी पार्टी को झटका लगा है। जहां एक तरफ बांसडी विधानसभा में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने केतकी सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया, वहीं टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता कनक पांडे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं बौरिया विधानसभा से राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को बौरिया से टिकट मिलने के बाद विधायक सुरेंद्र सिंह ने बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सुरेंद्र सिंह ने दावा कर रहे हैं कि बलिया की सभी 7 सीटों पर वो बीजेपी को हरा कर मानेंगे। अब सियासी समर में बागी नेताओं को कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना संवेदनहीन और मैं तो कह सकता हूं कि चिंतनहीन पार्टी को बिल्कुल हराया जाना चाहिए। बलिया की धरती पर एक संदेश जाना चाहिए कि टिकट दिल्ली से नहीं बढ़ता, बल्कि जनता के दिल से बढ़ता है। आज बैरिया के जनता ने मुझको प्रमाणित संदेश दे दिया, मैं पूरे दिल्ली को संदेश दे दिया। आज 200,000 लोग सड़कों पर थे और लोगों ने संदेश दे दिया कि दिल्ली वाले भले टिकट सुरेंद्र सिंह को नहीं दिए हैं, लेकिन द्वावा का दिल, द्वावा के लाखों लोगों का दिल जो है हमको टिकट दिया है। और जनता के उसी दिल के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता के दिल से ही, मैं आशीर्वाद से ही मैं चुनाव जीतूंगा। देवरिया के रुद्रपुर युवा नेता प्रदीप यादव को सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। लौकनी चौराहे पर सपा प्रत्याशी प्रदीप यादव का सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया और इलाके में विकास कार्यों को बढ़ावा देने की अपील की। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक गरीब किसान के बेटे को प्रत्याशी रुद्रपुर का बनाया है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और देख रहे हैं आप, देख लीजिए चारों कैमरा घुमाइए, जनता का अपार, नौजवानों का अपार समर्थन मिल रहा है। और रुद्रपुर का मैं अगर जनता का आशीर्वाद मिला और मैं विधानसभा में पहुंचा तो पहला काम, सबसे बड़ा काम, नौजवानों के लिए एक मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा। दूसरा काम, जो गंदगी से अंबार बस स्टेशन में बना हुआ है, बदबू देता है, उसको एयर कंडीशन बस स्टेशन बनवाने का काम करूंगा। तीसरा काम, जो बड़ा काम है, रुद्रपुर में प्राय जाम लग जाते हैं, बस स्टेशन से लेके और खजवा चौराहे जमुनी चौराहे तक एक शानदार रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा और रुद्रपुर को विकास के पन्नों में दर्ज कराऊंगा पूरे प्रदेश में। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर प्रथम चरण में 10 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जन जागरण के लिए राष्ट्र चेतना मिशन की टीम ने शहीद स्मारक पर फूलों से बने भारत के भव्य मानचित्र में 1100 दीपों से भारत निर्वाचन आयोग का लोगो बनाया है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और DIG संतोष कुमार सिंह सहित सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में यूपी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रहित में 100% मतदान का आह्वान किया है।
आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रशासन लगातार इस चीज को लेकर के सतर्क है कि किस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराए जा सके, इसी क्रम में लगातार प्रशासन द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे मतदाताओं में यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपने मत अपने अधिकार के हिसाब से रख सकते हैं, उन पे किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन एक्टिव है और लोगों से अपील कर रही है कि वो अपनी सहमति से और सुरक्षित अपने आप को समझ कर वोट करें। इसी क्रम में आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और डीआईजी संतोष कुमार सिंह सहित सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में यूपी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रहित में शत प्रतिशत मतदान का आह्वान किया है। जिस तरह से लगातार प्रशासन द्वारा ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि सभी मतदाता अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अच्छे से वोट दे, और इसी क्रम में 1100 द्वीपों में भारत निर्वाचन आयोग का लोगो भी बनाया गया है और फूलों से भव्य मानचित्र भी बनाया गया है और यह काम शहीद स्मारक पर किया गया है ताकि इससे लोगों को एक अच्छी सूचना मिल सके, एक अच्छा संदेश मिल सके। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी देवरिया में नामांकन के पांचवें दिन सदर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह और कई अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में अपना नामांकन पर्चा भरा है। सभी प्रत्याशी लोगों को लुभाने के लिए जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सदर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने बताया है कि मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव के मुद्दे कांग्रेस पार्टी की पहले से ही विकास, मेरा भी मुद्दा विकास है, लेकिन प्राथमिकता इस नगर के विकास का है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए भटनी, गौरी बाजार और बैताल को चीनी मिल को चालू कराने, नवीनीकरण कराने, उसमें एथलान, उसमें बिजली उत्पादन केंद्र लगाने के लिए संघर्ष करूंगा और बदायूं में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, इसी के साथ दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिरों के पास से भारी मात्रा में कारतूस और तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी शातिरों हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल टीम थी, उसने पता रसी सुराग रसी करके दो अभियुक्तों को जो जरीफ नगर क्षेत्र में असलहे की अवैध फैक्ट्री चला रहे थे उसका खुलासा किया है और इनकी गिरफ्तारी की है। इनकी पूर्व आपराधिक इतिहास भी हैं और इनसे 10 अदद देसी तमंचे 0.315 बोर 315 बोर के, 3 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 4 अदबने तमंचे, 3 लोहे की नाल 315 बोर, 2 नाल 12 बोर की, 1 ड्रिलिंग मशीन, 1 छोटा गैस सिलेंडर, 2 किलोग्राम का धोकनी आदि जो अवैध फैक्ट्री थी उसकी बरामदगी की है। सुल्तानपुर में आज निर्माणाधीन एफएम टावर पर चढ़ाया जा रहा पोल अचानक गिर गया। इस दौरान टावर पर कार्य कर रहे मजदूर पर यह पोल गिर पड़ा जिससे कि मजदूर की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अन्य मजदूरों की सहायता से किसी तरह मृतक मजदूर के शव को बाहर निकलवाया, साथ ही साथ इस मामले की जाँच के लिए आदेश दे दिए। सर वो ऊपर सामान चढ़ा रहे, टूट गया वो सामान। कौन सा सामान टूटा? सामान पोल वगैरह जो हमारा होता है खड़ा करने का, वो टूट के गिर गया। तो फॉर्म खत्म हुआ है आज? आज कई लोग अभी फंसे हैं ऊपर? अभी 3 लोग हैं ऊपर, वो तो नीचे से उसे लेने के लिए गए ऊपर, वैसे वो ठीक है। कितनी उम्र होगी जो खत्म हुआ है? वो हाफ पूरा सर।
फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी में रहने वाली महिला की हाई वोल्टेज करंट लगने से मौत हो गई। महिला की मौत पर मौके पर पहुंचे परिजन में हड़कंप मच गया। इस घटना पर परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है और विभाग पर आरोप लगाते हुए परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इसके बाद से पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कारण यही था, रात को बारिश आई थी, सबने देखा तूफान था और कॉलोनी के अंदर एक बिजली का खंभा है जो काफ़ी टाइम से टेढ़ा हुआ पड़ा है और उसमें नीचे की तारें नंगी थी, बॉक्स के साथ जो तारें होती हैं वो नंगी थी। तो लेडीज़ काम पे जा रही होगी, 7 बजे का टाइम था, पैर फिसल गया उनका कीचड़ की वजह से, उन्होंने वो तार को पकड़ा तो उस तार की वजह से वो चिपक गई हैं, उनकी डेथ हो गई। क्या है, जो सरकार का मुआवजा होता है कोई अलग से स्पेशल मांग तो नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो आपके आगे 3 लोग हैं, छोटी छोटी गुड़ी हैं, तो सरकार से यही अपील की है कि भैया जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जाए इन लोगों को ताकि इन लोगों की मदद हो सके। यहाँ ये हुआ सुबह सर, एक लेडी ड्यूटी जा रही थी सुबह, लगभग 7 बजे का टाइम था, तो वो इस खम्भे से पकड़ लिया उसने तार, वो बेचारी ख़त्म हो गई सुबह वक्त। ये लापरवाही है बिजली वालों की। हाँ सर, पूरी लापरवाही है ये, आज उसके साथ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। हादसा तो हादसा ही है सर, इसलिए बस मैं इतने कहना चाहती हूँ। ये सुबह हमारे ERV घाटी ने सूचना दी थी, वैसे महिला का करंट लग के और इसकी मृत्यु होगी, डेड बॉडी मौके पर पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं वहाँ अपने कर्मचारियों के साथ वहाँ गया, तो स्थानीय निवासी ये बोले भाई हम काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं बिजली महकमे में, उन्होंने की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, तो हमने भी हालात देखे तो वहाँ नंगे तार थे। का नाम सुशीला है, उसकी उम्र 35 साल है। वो तो बिजली महकमा काम है जी, मुआवजा जी, हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज, लापरवाही की FIR दर्ज कर दी है और कार्रवाई चल रही है, उनके पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।